ये विजय स्तंभ की जगह है जो 3 हेक्टेयर 86 आर, इस जमीन का और मालवकर कुटुंब का कोई संबंध नहीं है। हमारे विद्यार्थियों का कम से कम 8 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया। ये जो प्रचार करते हैं ना कि फ्री बस, ये फ्री बस नहीं है, हमारे स्टूडेंट के पैसे से हम वहां से बस है, हमें बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। 1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और साथ ही इस शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दर्शकों। और लेकिन आपको बता दें कि जो भीमा कोरेगांव का जो ये स्थल है जहां पर यह स्तंभ बना हुआ है, वहां पर लाखों लोग आते हैं और इन लाखों लोगों की व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा। सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था है, वहाँ पर बसों लगाई जाती है ताकि आप पूना से वहाँ पहुँच सके और भी एरिया से आप वहाँ पर पहुँच सके। इसके अलावा भोजन, पानी, लाइट, साउंड, तमाम जो चीज़ें होती हैं, इन सभी के लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाती है। लेकिन आपको पता है कि ये जो व्यवस्था है, ये महाराष्ट्र सरकार उन विद्यार्थियों के जो फंड है उससे कटौती करके करने जा रही है जो दलित विद्यार्थी हैं। और आपको बता दें कि ये जो दलित विद्यार्थी हैं, ये बार्टी यानी कि बाबा साहब का से संबंधित जो एक इंस्टीट्यूशन है, इस संस्था में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके बजट में से कटौती करके ये तमाम व्यवस्था करने जा रही है, जो एक तरह से बहुत ही गलत बात है। क्योंकि एजुकेशन का बजट, बाबा साहब हमेशा से एजुकेशन के बजट में कहीं भी कटौती नहीं चाहते थे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसी में से कटौती करके अपना नाम कमा रही है और कह रही है कि ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, जबकि ये दलित विद्यार्थियों के ही जो एजुकेशन का बजट है उससे कटौती करके ये करने जा रही है। और इस पर महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और इस विरोध के स्वर में बहुत सारे लोग शामिल हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर घोटाला ये हो रहा है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये स्तंभ बना हुआ है, जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया, और उस ज़मीन पर अभी एक परिवार द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इस ज़मीन में आसपास वो दुकानें बना रहे हैं और अपना खुद का, जिस तरह से मंदिर के आसपास पुजारी जो है वो अपना खुद का जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या दुकानें तमाम सारी चीज़ें बनाकर कब्जा कर लेता है, कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। और इस बारे में हमने बातचीत की है दादा भाऊ अभंग, जो कि मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही एक बड़े समाजसेवी। हम इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कब्जा किया जाए। दादा भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। ये बताएं कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरह से यहाँ पर इस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही हम आपसे ये भी जानेंगे कि ये जो बार्टी का विद्यार्थियों का जो बजट है, जो कि बाबा साहब से संबंधित ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके बजट की कटौती करके महाराष्ट्र सरकार आखिर यहाँ पर व्यवस्था क्यों करती है, इस पर भी आप अपनी बात बताएं। भीमा कोरेगा विजय स्तंभ का जो शौर्य दिन का कार्यक्रम है 1 जनवरी को आता है। इस कार्यक्रम को हमें गए 2018 से 2024 अभी 1 जनवरी 6 साल हुए हमें परमिशन लेना पड़ता है, पर ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो ये क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि भीमा कोरेगांव की जो जमीन है, जो विजय स्तंभ है, वो अतिक्रमित है। वहाँ पर मालवतकर, जहाँ पर रखवालदार मालवतकर को रखा था, उन्होंने वो जमीन पर अतिक्रमण किया है, और अतिक्रमण करने के बाद ये जमीन का न्यायालय में वाद चालू है, इसलिए हमें हर साल इसका परमिशन लेना पड़ता है। अभी इस साल परमिशन दिया है, मेरे पास ये ऑर्डर है, और इस प्रोग्राम में 22 तारीख से 5 तक सरकार को जो अंबेडकरी अनुयायी आते हैं, अंबेडकरी एक्टिविटीज आते हैं, अंबेडकरी समाज के लोग आते हैं, उनको सोई सुविधा देने के लिए सरकार ने वहां पर जो भी काम करना है उसके उनको 22 तारीख से 22 दिसंबर से 5
तारीख तक 5 जनवरी 2024 तक उनको वहां पर परमिशन दिया है और लोगों को जो अंबेडकरी अनुयायी विजय स्तंभ को मान वंदना देने को देने आने वाले हैं उन्हें उनको 31 दिसंबर मिड नाइट 12 बजे रात को 12 बजे वहां पर प्रवेश देने वाले हैं। ऐसा ये है यहाँ पर ये हर साल निकालना पड़ता है पर बहुत लोगों के मालूम नहीं। भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ 1 जनवरी 1818 में और युद्ध होने के बाद वहां पर पेशवे और ब्रिटिश सैन्य में जो युद्ध हुआ और इस युद्ध में ब्रिटिश का सैन्य का जीत गया और पेशवा पराभूत हो गया। पेशवे की राजधानी पुना था और पुना में उनका पराभव हुआ और ये जो लड़ाई ये जंग है ये युद्ध है ब्रिटिश ने जीता इसका स्मरण रहना चाहिए। इसकी हिस्ट्री आगे के पीढ़ी के लिए आगे के लोगों के लिए ध्यान में रखना चाहिए इसलिए वहां पर एक जय स्तंभ वहां पर एक मोमेंटम विक्टरी प्लेयर वहां पर ब्रिटिश ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया जो 26 मार्च 1821 को वहां पर भूमि पूजन हो गया और लोगों के लोकार्पण किया उसका 13 दिसंबर 1824। अभी ये स्तंभ का साफ सफाई करने के लिए टेक केयर केयरटेकर रखवालदार ये मालवतकर यहाँ का एक ब्रिटिश में ही सैनिक था जो जख्मी हुआ था उसको वहां पर केयरटेकर रखा और केयरटेकर रखने के बाद उसको वो मालवतकर को बाजू के गांव के 260 एकड़ जमीन उनको उनकी उदार निर्वाह करने के लिए उनकी पेट पूजा करने के लिए उनको दे दिया था। अभी ये विजय स्तंभ की जगह है जो 3 हेक्टेयर 86 आर इस जमीन का और मालवतकर कुटुंब का कोई संबंध नहीं है पर उन्होंने मालवतकर कुटुंब ने फैमिली ने उनके इतर अधिकार 712 में जो जय स्तंभ का 712 है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं उस 712 में मालवतकर ने वो फैमिली ने खुद का ये देखिए खुद का नाम वहां पर इतर अधिकार यहां पर लगा दिया है और फिर उन्होंने वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया चाल रूम शॉप ये देखिए आप हम लोग ने भीमा कोरेगा विजय स्तंभ संरक्षण और संवर्धन समिति स्थापन किया और वो समिति वहां पर हमारे रामदास लोखंडे थे दिलीप लोखंडे थे सुदामजीराव पवार थे दीपक गायकवाड़ थे के गायकवाड़ है धम्मपाल कांबळे सविताबाई भोसले रविंद्र कांबळे हम सब मिलकर हम लोग ने भीमा कोरेगा विजय स्तंभ संरक्षण और संवर्धन समिति स्थापन किया और ये अनाधिकृत बांधकाम किया था जो कंस्ट्रक्शन किया था वो तोड़ने के लिए हमने पत्र व्यवहार किया और 2012 में वो सब तोड़ अनाधिकृत बांधकाम है वो ये देखिए आप ये सब तोड़ डाला है। तोड़ डालने के बाद 2016 को मैंने वहां पर सामाजिक न्याय मंत्री हमारे राजकुमार बड़ोरे साहब थे उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने ये देखिए ये पत्र है 16/9/2015 में ये पत्र मैंने दिया है 2015 का है और उस पत्र में मैंने कहा था कि जो भीमा कोरेगांव में जो जगह है इसमें जो मालवतकर फैमिली का जो नाम है वो नाम निकाल दीजिए और जो भी अतिक्रमण है निकालो ऐसा इसमें पत्र दिया था। वो पत्र कलेक्टर के गए कलेक्टर के बाद उसका सब छाननी हो गया मालवतकर कुटुंब को भी उन्होंने कलेक्टर ने बुलाया कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है इस जगह का तो वो देखने के बाद वहां पर उप विभागीय अधिकारी हवेली ज्योति कदम मतलब SDO इन्होंने निकाल पत्र दिया और 5/6/2017 में ये ऑर्डर निकाल आया और मालवतकर कुटुंब का फैमिली का नाम 712 से निकाल दिया। ये देखिए ये नया नाम है अभी नया 712 में मालवतकर कुटुंब का नाम 712 से निकाल दिया। उसके बाद मालवतकर कुटुंब सिविल कोर्ट में गए सिविल कोर्ट में भी उसका अपील ये किया बाद में डिस्ट्रिक्ट में गए डिस्ट्रिक्ट में भी गया अभी हाई कोर्ट में चालू है मतलब ये जो है
ए हम आने वाले आपको मिलने के लिए, और वहां पर मैं आपको सब डॉक्यूमेंट के साथ मिलूंगा और डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको सब दिखाऊंगा। ये न्यायालयीन प्रक्रिया में रहने के बाद राजेश जी ये अपन ये जो है ये न्यायालय प्रक्रिया में है, इसलिए हमें हर साल परमिशन लेना चाहिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं, अभी सभी लोगों जिसको जानकारी उनको बोलिए कि भीमा कोरेगांव में जमीन का न्याय प्रविष्ट प्रक्रिया में न्यायालयीन वाद है। दादा भाव ये बताइए कि आखिर ये जो बार्टी का जो बजट है जहाँ पर दलित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थी पूरे देश से चयनित होते हैं, इन विद्यार्थियों के बजट को आखिर इस तरफ डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने बार्टी का जो निधि है गए 6 साल से 2019-20 से बार्टी थोड़ा थोड़ा निधि करते थे, पर 2022 उन्होंने 5 करोड़ रुपया खर्चा किया, 5.5 करोड़ खर्चा किया, और 2023 ये मेरे पास 2023 का फाइल है, उन्होंने कम से कम 7 करोड़ 88 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया है और उन्होंने भी खर्चा किया, मतलब हमारे स्टूडेंट का हमारे विद्यार्थियों का कम से कम 8 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया है। अब यह खर्चा किसको किया है, ये उन्होंने खर्चा बता स्टूडेंट का खर्चा किया है, अपर पुलिस आयुक्त 50 लाख, कार्यकारी अभियंता 1 करोड़ 50 लाख, पुलिस अधीक्षक 94 लाख, पुलिस उपायुक्त 12 लाख, पुणे महानगर परिवहन महामंडल 62 लाख। ये जो प्रचार करते हैं ना कि फ्री बस फ्री बस फ्री बस, ये फ्री बस नहीं है, हमारे स्टूडेंट के पैसे से हम वहां से बस है, हमें बेवकूफ बनाते हैं ये लोग कि फ्री बस है, फ्री बस नहीं है। बाद में कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 1 करोड़ 28 लाख, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विद्युत 70 लाख 80 हजार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पुणे 2 करोड़ 3 लाख, प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र बाद में उनको 10 लाख 67 हजार, और अधीक्षक अभियंता 5 लाख 38 हजार, और वहां पर उन्होंने ये जो पेपर में जो एडवर्टाइज दिए सब एडवर्टाइज 1.5 लाख रुपया है, ये सब हमारे स्टूडेंट की हमारे विद्यार्थियों के हमारे स्टूडेंट के हमारे विद्यार्थियों के हमने निवेदन दिया था 2 महीने पहले कि आप ये जो खर्चा है ये जिला कमेटी के जिले से नियोजन है उस पे करो, ये सांस्कृतिक कार्य से करो, हमारे विद्यार्थियों से पैसे मत निकालो, वे 2 साल से हो रहा है पर उन्होंने नहीं सुना। इस बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और दर्शकों आपको बता दें ये थे दादा भाऊ अभंग जो कि वरिष्ठ समाजसेवी और पत्रकार मुंबई के, और इन्होंने बताया कि किस तरह से भीमा कोरेगांव में इस समारोह के नाम पे सरकार अपनी वाहवाही तो लूट रही है लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र के दलित विद्यार्थियों के बजट का उपयोग कर रही है, एक तरह से बजट में कटौती करके यहाँ पर ये व्यवस्थाएं दिखाई जा रही हैं ताकि आप लोग महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करें लेकिन दरअसल यहाँ पर हमारा नुकसान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।